नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ, तो वर्ड मीनिंग को लेकर ये वीडियो है। और अगर आप हिंदी से अंग्रेजी वाले वर्ड्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और कह सकते हैं कि बहुत ही चुन चुन कर लाया गया है, आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि अगर आपको पढ़ना सीखना है या फिर बोलना या फिर लिखना, तो वर्ड मीनिंग तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए आप देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पर टाइप करिए, सारे वीडियो के लिंक मिल गए। तो वीडियो की संख्या 1.1K से भी अधिक है। अगर आप ये वीडियो लेट से देखेंगे तो जाहिर सी वो संख्या बढ़ जाएगी। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखना या फिर बोलना, सारे समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे है जो कि ओमनीसेंट है। और सब कुछ सीखेंगे बीते जैसे अपना, तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटो डिक्शनरी खरीदना है, क्योंकि डिक्शनरी के भी महत्वपूर्ण शब्दों को यहाँ लाया गया है हिंदी से अंग्रेजी करके। तो बस अब करना क्या, जो वीडियो देखिए हमारा, और वीडियो देखने के बाद A4 साइज की कॉपी में इसको लिखिए। लिखते समय क्या करना है कि बोल बोल कर लिखना, जिससे कि क्या होगा कि एक तो बोलने भी आएगा और लिखने भी, साथ ही साथ कॉपी भी जो तैयार हो जाएगी, जिससे कि आप रिविजन आप डायरेक्ट कर सकेंगे अपने कॉपी से। चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो देखिए ये रहा दोस्तों हिंदी इंग्लिश के, जो कि सिंगल सिंगल भी वर्ड्स ला सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा ज़्यादा सामग्री मिल सके इस बात को अभी ध्यान रखा जाता है। तो दो कॉलम होंगे यहाँ पर, आप देखेंगे कि कितने महत्वपूर्ण कॉलम है। दो कॉलम 20 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, कॉपी पे इसे ज़रूर लिखें, क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी वाले हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश से हिंदी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी से अंग्रेजी नहीं। अब मान लीजिए कोई हिंदी है, हिंदी का अंग्रेजी से पूर्ण रूप या पूर्ण रूप से, आपको आप हिंदी के जानकार हैं अच्छे तरह से, आपको पता है पूर्ण रूप से उसका क्या होगा, दिमाग में लगाएंगे भाई पूर्ण रूप से का इंग्लिश क्या होगा, सोचते रह जाएंगे। तो याद कर लेंगे भाई पूर्ण रूप से का मैं जो लिखा रहा हूँ कि एब्सोल्यूटली, तो कम से कम एक तो पता चलेगा कि पूर्ण रूप से के अंग्रेजी क्या है ये जान गया। दूसरी बात कि आपको यहाँ पढ़ने को मिल गया कि भाई एब्सोल्यूटली का मतलब है पूर्ण रूप से। बात देखी है, चाहे हिंदी पढ़िए इंग्लिश, लेकिन आप अगर हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको हिंदी से इंग्लिश वाले वर्ड्स ज़्यादा याद रखने होंगे। दूसरा बात, एक, एक का क्या होगा, ए, हालांकि एक के लिए वन का भी प्रयोग करते हैं, ओ एन ई वन, लेकिन यहाँ पर एक को इस तरह से लिखा गया। अब देखिए छोड़ देना क्या बोलेंगे, अबैंडन, अबैंडन पढ़ना है, जिनको नहीं आता वो हमारे साथ रिपीट करें वर्ड्स को अबैंडन, ताकि आपके जवान पे चढ़ सके। और जब चढ़ेंगे तभी ये आप अपने आप ऑटोमेटिकली निकलने लगेंगे। जब भी कभी छोड़ देना है वर्ड्स के लिए, आपको मैं छोड़ देना शब्द के लिए इंग्लिश बोलना होगा, तो खुद ब खुद अबैंडन वर्ड आ जाएगा। सोख लेना, एब्जॉर्ब, बहुत सारे आप वर्ड्स जानते भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वर्ड्स आप अगर आप उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो स्पेलिंग में मिस्टेक होते हैं, तो उसको यहाँ देखिए। क्षमता, एबिलिटी, गाली, ये वर्ड सभी लोग जानते हैं, और अव्यूज़ बोलते हैं, है ना, अव्यूज़ बोल सकते हैं, ही इज़ अव्यूजिंग मी, वह मुझे गाली दे रहा है, ऐसे ही तो बोलना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, योग्य, एबल, शैक्षिक, अकैडमिक, अकैडमिक, गर्भपात, अबॉर्शन, देखिए टी एन को जो टी आई एन को जो सन पढ़ते हैं इसको याद रखिएगा, स्वीकार, एक्सेप्ट, क्या है एक्सेप्ट, उसके देखिए के बारे में, अबाउट, है ना, बोलते हैं बहुत सारे अवॉट, मतलब कि अबाउट मी, अबाउट यू, इस तरह से, यानी कि मेरे बारे में, उसके बारे में, अबाउट ही, ऐसे ही तो बोलते हैं। पहुंच, एक्सेस, ये खासकर कंप्यूटर के क्षेत्र में या मोबाइल के क्षेत्र में एक्सेस वाले वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो अभी हालांकि पहुंच मींस रिच मींस भी पहुंच, पहुंचना होता है। नेक्स्ट देखिए, अनुपस्थित, एब्सेंस, ई एन सी को एंस बोलते हैं, तो एब्सेंस हो गया। साथ का हो गया अ कंपनी, अब कंपनी मींस तो आप समझते हैं कि कंपनी को कंपनी बोलते हैं, जो कि एक बिजनेस करने वाली संस्था होती है, लेकिन कंपनी का मतलब साथ है। चलिए दूसरा स्लाइड पे चलते हैं, और ये रहा दोस्तों दूसरा हिंदी इंग्लिश का, दुर्घटना, क्या बहुत ही इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, एक्सीडेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, तो एक्सीडेंट, उपलब्धि, अचीवमेंट, अचीव, ई एन टी को एंड बोलते हैं, यहाँ भी एंट आ गया, एम लगा है तो मेंट आ गया, डी लगा है तो डेंट हो गया, इस तरह से वर्ड्स याद रख सकते हैं। पूरा, अकम्प्लिस, अकम्प्लिस, अम्ल, एसिड, के बारे में, अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू मी, इस तरह से बोलते हैं। पावती, एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट, अब ये पावती क्या होता है,
आप जब लेटर लिखते हो तो पता कि कोई व्यक्ति आपका जो पत्र मिला या ना मिला, एक एक्नॉलेजमेंट वाला वो पहले तो कार्ड चलता था पोस्ट कार्ड, वो डालते हैं वापस, वो आ जाता है, वो डालते हैं वापस पोस्ट ऑफिस में, अभी रिपीट मिलता है, तो पता चलता है कि हाँ उनको मिल गया है। तो इस तरह से एक्नॉलेज्ड, तो ये एक्नॉलेज्ड, खाता अकाउंट, अधिग्रहण एक्वायर, शुद्ध एक्यूरेट, ए के बाद ई है तो एक्यूरेट, ए का वचन एक रूप में हुआ, आर पार, एक्रोस, नेक्स्ट देखिए आरोप, एक्यूज, इसको यहां ज पढ़ा गया एक्यूज, अभिनय एक्ट, प्राप्त अचीव कार्य एक्शन, टी एन को बोलते हैं सन एक्शन। नेक्स्ट देखिए हमारा थर्ड स्लाइड है, और हिंदी इंग्लिश के दो कॉलम रहते हैं, ये तो आप समझ ही चुके हैं। सक्रिय एक्टिव, टिव को याद रखिए, बार बार रिपीट होने वाले जो है पार्ट है टिव, एक्टिव। विज्ञापन एड, कार्यकर्ता एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट अनुकूल बनाना, अडेप्ट क्या होगा अडेप्ट। गतिविधि एक्टिविटी जोड़ना एड, अभिनेता एक्टर, इसके अलावा एडिशन, ठीक है एडिशन या अतिरिक्त भी बोलते हैं। देखिए सन को यहाँ वापस रिपीट हुआ है, तो सन को मैंने बताया था कि आपको याद रखना होगा तो कि वर्ड्स याद रहे, एडिशन यानी कि अतिरिक्त या इसके अलावा। फिर देखिए अभिनेत्री एक्ट्रेस, लोग अब नहीं बोल पाते हैं एक्टर एक्ट्रेस, एक्ट्रेस को शायद नहीं, बहुत कम लोग उच्चारण करते हैं, हीरोइन बोल देते हैं हीरोइन, तो एक्टर एक्ट्रेस। अब जैसे कि लीडर, जैसे मान लीजिए कि नेता, उसके जो है उसका स्त्रीलिंग नेत्री होता है, लेकिन लोग नेता ही बोल देते हैं। अतिरिक्त एडिशनल, एडिशन से ही बना है तो एडिशनल हो गया, हालांकि एडिशन इसके अलावा या प्लस भी होता है, लेकिन एडिशन में अतिरिक्त यहाँ भी। वास्तविक एक्चुअल, टी यू एल को चुअल बोलते हैं तो एक्चुअल हो गया, पता को बोलते एड्रेस। नेक्स्ट है वास्तविकता एक्चुअली, एक्चुअल में सिर्फ एल वाई जोड़ दीजिए तो वास्तविकता हो जाता है। पर्याप्त पर्याप्त एडेक्वेट, फोर्थ स्लाइड में चलते हैं हिंदी इंग्लिश वाले में, ये देखिए समायोजित, इतना बहुत भारी वर्ड है और कभी कभी इस तरह के शब्दों को आप चाहते होंगे कि भाई क्या होता है समायोजित, छोटा सा वर्ड है एडजस्ट। किशोर एडोलसेंट, एडोलसेंट यानी किशोर। समायोजन एडजस्टमेंट, अपनाना एडॉप्ट। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, वयस्क एडल्ट। प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर। अग्रिम एडवांस, ए एन सी को एंस बोलते हैं तो एडवांस हो गया। नेक्स्ट देखिए प्रशंसा एडमायर, एडमायर फायदा को बोलते हैं। एडवांटेज, ए के बाद ई है तो एज बोलते हैं, ए को ए ही बोलते हैं, ऐसे भी एज ई को एज बोलते हैं, तो एज हो गया, टी लगा टेज हो गया, एडवांटेज। प्रवेश एडमिशन है ना, टी एस आई एन को सन, यहाँ भी सन बोलते हैं जन भी बोलते हैं। साहसिक एडवेंचर, टी यू आर को चर बोलते हैं एडवेंचर। नेक्स्ट है भर्ती एडमिट। विज्ञापन एडवर्टाइजिंग, ठीक है तो चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक ये और स्लाइड देख लीजिए। तो दोस्तों ये रहा सलाह, क्या बोलते हैं एडवाइस, ठीक है एडवाइस। डरा हुआ अफ्रेड, अफ्रेड अफ्रेड में ऐसे भी आप बोल सकते हैं किसी को, भाई ही इज अफ्रेड, वह डरा हुआ है ना, ही इज अफ्रेड। सलाह देना सी इज अफ्रेड, यू आर अफ्रेड, एडवाइज, ये एडवाइस था ये एडवाइज। अफ्रीकन अफ्रीकन, जो कि अफ्रीका में रहते हैं उसको अफ्रीकन बोलेंगे। सलाहकार एडवाइजर, इसको यहाँ जो उच्चारण किया गया है के बाद का होगा आफ्टर। वकील
एडवोकेट। दोस्तों वकील के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, एडवोकेट, प्लीडर, है ना, लॉयर। अब जो भी आपको ध्यान में रखना हो रखें। स्पेलिंग इस तरह का है, दोपहर का बोलते हैं आफ्टरनून। ये एक्चुअली ये वर्ड्स जो है आफ्टरनून जो होता है दोस्तों 12 PM से 3 PM के बीच के समय को कह सकते हैं, ठीक है, 3 PM के बीच को कह सकते हैं। तो ये है आफ्टरनून। तो दोस्तों ये है मामला को बोलते हैं अफेयर, मामला, दोबारा को अगेन। लेकिन अफेयर का मतलब आजकल दूसरे सेंस में भी होता है, जो कि किसी से संबंध रखता हो, तो अफेयर उसमें भी, उस वर्ड को भी बोलते हैं अफेयर। बर्दाश्त, अफोर्ड, है ना, अफोर्ड। बर्दाश्त का मतलब, अफोर्ड का मतलब है कि भाई क्या आप वो चीज़ आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। खासकर ये खरीदने और बेचने के संबंध में है, ठीक है, यानी खरीदने के संबंध में ज़्यादा यूज़ होता है। विरुद्ध का होता है अगेंस्ट, क्या अगेंस्ट। अफ्रीकन अमेरिकन को बोलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन, उम्र का हो गया एज। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए फिर से एक और नया स्लाइड के साथ चलेंगे। तो दोस्तों ये है संस्था, एजेंसी, कार्यसूची, एजेंडा, प्रतिनिधि, एजेंट, आक्रामक, अग्रेसिव, पूर्व, अगो, सहमत, एग्री, समझौता, एग्रीमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगामेंट, तो एग्रीमेंट, समझौता, कृषि, एग्रीकल्चरल, ए एल कॉल बोलते हैं एग्रीकल्चरल, आगे, अहेड, आगे बढ़ने को अहेड बोलते हैं, आगे बढ़िए, अहेड, गो अहेड बोलते हैं, आगे बढ़िए, सहायता, एड, अंगरक्षक, एड, हालांकि बॉडीगार्ड ही बोलते हैं, एक नए वर्ड्स यहाँ सीखने को मिल रहा है आपको, उद्देश्य, एम, विमान, एयरक्राफ्ट, जो कि छोटा होता है एयरक्राफ्ट। और चलिए नेक्स्ट, हवाई रास्ता, एयरलाइन, एयरलाइन, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट, चित्राधार, एल्बम, शराब या मद्य को बोलते हैं एल्कोहल, एल्कोहल, जिंदा, अलाइव, सब को बोलते हैं ऑल, सभी को भी ऑल ही बोलेंगे, संधि, अलायंस, अलायंस, ए एन सी को एंस बोलते हैं अलायंस, अनुमति, अलाओ, प्रायः, ऑलमोस्ट, अकेला, अलोन, प्लीज गिव मी अलोन बोलते हैं वर्ड्स सेंटेंस में इस तरह से, पहले ही, ऑलरेडी, भी का ऑल्सो, है ना, ऑल्सो बुलाकर भी बोलते हैं सेंटेंस में, बदलने, अल्टर, विकल्प, अल्टर ने टिव को याद रखिए, टिव जो है कि हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। नेक्स्ट देखिए एक और स्लाइड, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये हिंदी से इंग्लिश है, यद्यपि, क्या बोलते हैं, ऑल दो, यद्यपि को क्या बोलते हैं, ऑल दो, क्या आपको पता है कि सर्वदा को ऑलवेज बोलते हैं, हमेशा भी बोलते हैं इसे ऑलवेज को हिंदी में, बजे, ए एम, एम का टाइमिंग होता है कि रात के 12 बजे से, ठीक है, रात के 12 बजे से दिन के 11:59 के बीच के समय को बोलते हैं ए एम, ठीक है, जो कि सुबह में होता है, और इसका ए एम लिख देते हैं बगल में, इसका मतलब कि सुबह, रात के 12 बजे से सुबह के 11:59 तक के ए एम बोलते हैं। अद्भुत, अमेजिंग, अमेजिंग, अमेरिकन को अमेरिकन बोलते हैं, के बीच में अमोंग, ओ एन जी कॉन्ग बोलते हैं, ये हमारा पार्ट्स वर्ड है। फिर देखिए रा, राशि, राशि मीन्स अमाउंट है, यानी रुपया के बारे में बात हो रहा, ओ यू एन टी के अंट बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट, विश्लेषण, एनालिसिस, उसके बाद दोस्तों देखिए विश्लेषक, एनालिस्ट, विश्लेषण करें, एनालाइज। नेक्स्ट देखिए प्राचीन, एंसिएंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं एंसिएंट, और को एंड बोला जाता है, ये सभी लोगों को पता है,
क्रोध को क्या बोलते हैं इसको? क्रोध को एंगर, कोन को एंगल, है ना। तो चले नेक्स्ट देखिए, गुस्सा क्या होता है? गुस्सा के लिए कौन सा वर्ड है? एंग्री, जानवर एनिमल, सालगिरह एनिवर्सरी। स्पेलिंग मिस्टेक होता है अच्छे अच्छे लोगों का, तो इसलिए समझिए एनिवर्सरी में डबल एन है, फिर वर है, फिर सरी है, एनिवर्सरी घोषणा करना। अनाउंस, अनाउंस है ना, अनाउन के साथ सी जोड़ दीजिए तो अनाउंस हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वार्षिक एन्यूअल, एन्यूअल एक और अनदर। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर, आंसर प्रत्याशा करना, एंटीसिपेट प्रत्याशा करना, चिंता एंग्जाइटी, इसको अच्छे से उच्चारण कीजिए दोस्तों, एंग्जाइटी, चिंतित जो रहते हैं व्यक्ति बोलते हैं, चिंता करते हैं आजकल तो लोग दवा भी लेते हैं इसके ऊपर, तो एंग्जाइटी। अनेक, एनी, प्रवेश एनीबॉडी, अब एनी मोर या नाउ भी होता है, कोई व्यक्ति एनी वन, कुछ भी एनीथिंग। नेक्स्ट देखिए, वैसे भी एनी वे, कहीं पर भी एनी वेयर, कहीं पर भी भाई एनी वेयर। सलाह देना अपार्ट, हालांकि एडवाइस भी होता है, मकान मीन्स अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मकान मीन्स अपार्टमेंट, एक्चुअली अपार्टमेंट का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट को भी अपार्टमेंट कहा जाता है, और पूरे बिल्डिंग को जाहिर सी बात है उसको भी अपार्टमेंट कहते हैं लोग, लेकिन सेंस एक्चुअल सेंस वही होता है कि जब 3 BHK 2 BHK जो आपका फ्लैट है उसी को अपार्टमेंट बोलते हैं। स्पष्ट को बोलते हैं तो अपेरेंट, अपेरेंट जाहिर तौर पर, अपेरेंटली, अपेरेंटली LY है ना यहाँ पर देखिए, जिसको एडवर्ब बना दिया गया। अपील, अपील प्रकट, अपीयर, अपीयर उपस्थिति, अपीयरेंस, ANC को एंस बोलते हैं तो अपीयरेंस हो गया। सेव एप्पल, आवेदन एप्लीकेशन, TIN को शन बोलते हैं एप्लीकेशन। लागू करना अप्लाई, नियुक्ति अपॉइंट मेंट, ENT को बोलते हैं एंट अपॉइंटमेंट, नियुक्ति सॉरी नियुक्ति मीन्स अपॉइंटमेंट, और नियुक्ति करना अपॉइंट, है ना, अपॉइंट, दोनों वर्ड अलग अलग वर्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा। चल तो दोस्तों अगला स्लाइड दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, सराहना क्या वर्ड है? सराहना को क्या बोलेंगे? एप्रीसिएट। पहुँच को बोलते हैं अप्रोच, है ना, किसी के पास पहुँच गया है इसका मतलब कि अप्रोच आपका है, या है ना, एक्चुअली उचित। अप्रोप्रिएट अनुमोदन, अप्रूवल, अप्रूवल कहते हैं ना, अप्रूवल है। मंजूर अप्रूव, अरब, अरब। लगभग तो देखिए ए प्रॉक्सी मेटली, ऐसे तोड़ के याद रखेंगे, अप्रॉक्सी मेटली। वास्तुकार आर्किटेक्ट। क्षेत्र को बोलते हैं एरिया। तर्क करना को बोलते हैं आर्ग्यू। नेक्स्ट देखिए, तर्क को आर्ग्यूमेंट, ENT बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। उठना अराइज, सशस्त्र आर्म्ड, सेना को बोलते हैं आर्मी। नेक्स्ट देखिए, चारों ओर क्या बोलेंगे? अराउंड। प्रबंध करना अरेंज, व्यवस्था क्या है दोस्तों? व्यवस्था अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। गिरफ्तार को बोलते हैं अरेस्ट। आगमन अराइवल। पहुंचना को बोलते हैं अराइव। फिर देखिए, कला आर्ट। लेख को क्या बोलेंगे? आर्टिकल, आर्टिकल। कलाकार आर्टिस्ट, कलात्मक आर्टिस्टिक। जैसे एज, एशियन को एशियन बोलो, जो एशिया में रहते हैं उनको एशियन बोला जाता है, या कंट्री को भी एशियन कंट्री बोलते हैं। अलग या एक और को बोलते हैं असाइड। पूछना
बोलते आस्क, बोलते ना आस्क मी, है ना, तो इस तरह से होता है उसको। अब चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा है सोते हुए क्या बोलते हैं, अस्लिप। स्लिप तो बोलना है, स्लिप को सोना बोलते हैं, सोते हुए को अस्लिप। पहलू को बोलते हैं एस एस्पेक्ट। नेक्स्ट देखिए हमला को बोलते हैं असॉल्ट। दावा करना को असट, असॉल्ट असट। आंकना को एसेस, मूल्यांकन को एसेसमेंट। तो एसेसमेंट वर्ड भी बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन एसेस शायद ही सुनते होंगे लोग। तोड़ लीजिए एसेस, उसके बाद मेंट लगा दिए, मूल्यांकन हो गया, आंकना हो गया, एक ही बात है। संपत्ति को बोलते हैं एसेट, एसेट एसेट मीन्स संपत्ति। सौंपना को असाइन मीन्स सौंपना, सौंपा गया काम को असाइनमेंट। कितना ईजी है, असाइनमेंट को सभी लोग जानते हैं असाइनमेंट, लेकिन असाइन को बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। असाइन, असाइन से असाइनमेंट बना। फिर देखिए सहायता को बोलते हैं असिस्ट, और सहायता को एक और वर्ड है असिस्टेंस, सहायता, है ना, सहायक को असिस्टेंट। सहयोगी के लिए एक वर्ड है एसोसिएट। संघ या संस्था को बोलते हैं एसोसिएशन, टी एन को सन बोलते हैं, है ना, ए टी को एट बोलते हैं, यही सब पकड़ना है उसको, ए एन सी को एंस बोलते हैं, जिससे कि आपको वर्ड्स भी याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, और ये रहा मान लीजिए, बोलते हैं अज्यूम, हालांकि सपोज दैट ही बोलते हैं, मानी हुई बात। एजम्पशन, एजम्प एजम्पशन। अब देखिए आश्वासन एश्योर, एश्योर में पर या से को बोलते हैं एट, एट मीन्स होता है में पर या से। एथलीट, वो एथलीट बोलेंगे, वर्ड्स ये हैं लिखने के, पुष्ट या बलवान को बोलते हैं एथलेटिक। उसके बाद देखिए वातावरण को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जोड़ना को बोलते हैं अटैच, अटैच। आक्रमण को बोलते हैं अटैक, और प्रयास को बोलते हैं अटेम्प्ट, अटेम्प्ट। नेक्स्ट देखिए भाग लेना अटेंड। ध्यान को बोलते हैं अटेंशन, टी एन को सन को याद रखिए अटेंशन। उसका देखिए रवैया, बहुत बुरा रवैया भाई आपका, यानी कि एटीट्यूड, एटीट्यूड। आकृष्ट को अट्रैक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा ये रहा एक और स्लाइड, बहुत ही महत्वपूर्ण। मनमोहक अट्रैक्टिव, है ना, गुण को बोलते हैं एट्रीब्यूट। हालांकि श्रद्धांजलि भी बोलता कोई बोलते हैं एट्रीब्यूट। और ये देखिए दर्शक को ऑडियंस, लेखक को ऑथर, ऑथर। प्राधिकारी को बोलते हैं अथॉरिटी, स्वतः को बोलते हैं ऑटो। नेक्स्ट देखिए उपलब्ध को बोलते हैं अवेलेबल, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, तो अवेलेबल हो गया। औसत को बोलते हैं एवरेज, ए के बाद ई है तो एवरेज। नेक्स्ट है टालना को बोलते हैं अवॉइड। पुरस्कार को बोलते हैं अवार्ड, और जागरूक को बोलते हैं अवेयर, ए के बाद ई है तो अवेयर हो गया। जागरूकता बोलते हैं अवेयरनेस, अवेयर ए के बाद ई है अवेयर, ई एस को डबल एस बोलते हैं एस एन लगा नेस हो गया अवेयरनेस। नेक्स्ट देखिए दूर को अवे बोलते हैं, अवे। भयंकर को क्या बोला जाता है, अपफुल, अपफुल। हालांकि हॉरेबल भी बोलते हैं, टेरिबल भी बोलते हैं, लेकिन अपफुल भी। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए, और इसी तरह की वीडियो मैं लाना चाह रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और नया चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।